हे गाइस, अभी हम लोग फाइनली अपने रूम के अंदर आके बैठे और इतना सुकून लग रहा है मुझे कि पूछिए मत। क्योंकि एक तो मैं थोड़ा नया बंदा हूँ पहाड़ों में ड्राइव करने के लिए, तो मेरी गाड़ी चढ़ने से मना कर दी है यार। मैं परेशान हो गया हूँ, अब पता नहीं प्रॉब्लम कितने में डाला, मेरे में है ना गाड़ी में। ठीक, इसके बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इस रूम के टूर के लिए और बताता हूँ कि क्या खास है मेफियर के अंदर, क्यों ये इतना पॉपुलर है और वर्थ पॉपुलरिटी क्यों है इसकी। तो रूम टूर पहले, होटल टूर बाद में, मीन्स रिसोर्ट का टूर टूर बाद में दूंगा मैं थोड़ी देर में आपको। ओके चलो। ये रूम का व्यू है, कांट बिलीव दिस। चलते हैं वॉशरूम की तरफ, जो किसी काफी यूजफुल चीज भी होती है क्योंकि ये आपके मूड को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो दिस इज द वॉशरूम, काफी नीट है, क्लीन तो है ही, नीट भी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस रूम में एसी नहीं है, ये नॉन एसी रूम, ऑल आर नॉन एसी रूम। ये घड़ी किसके लिए लगाई है मुझे पता नहीं, बट मैं आपको दिखा दूं।
4:10 से ऊपर हो गया, 12-13 मिनट। तो ये तो था मेफेयर के बारे में, है ना। तो हमारा न्यू ईयर तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, सो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप कहाँ गए हो न्यू ईयर के लिए। बट सेकेंड डोज सर्टिफिकेट आपको जरूर कैरी करना है, हर जगह मांगा जाता है बस। यस, आपको लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपने डोज नहीं लिया है, गो एंड गेट योर वैक्सीनेशन डोज। ओके, चलो अभी बाहर निकलते हैं, फिर आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ। बाहर यहाँ पे हम एक खूबसूरत से प्रॉपर्टी से बाहर निकलकर एक खूबसूरत से जगह को एंजॉय करने के लिए बाहर की तरफ जाने लगे, और जो शाम का प्लान था ऑलरेडी हमारा मॉल रोड और मॉल मार्केट देखने का, तो वहाँ पे क्या है सीन कि शाम में जाना ज़्यादा बेहतर है, क्राउडेड रहता है और जहाँ सारी शॉप्स खुली रहती हैं। तो इस खूबसूरत से मौसम में, इस खूबसूरत से रिसोर्ट में एक अलग लेवल का मज़ा आ रहा था। हम लोग एक स्नोफॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे बट वो हुआ नहीं। खैर कोई बात नहीं, अगले ब्लॉग में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।